A very good afternoon to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. And today we are going to discuss cash book. And in this topic, the things that we will be discussing will be number one, कि हम ये समझेंगे कि कैश बुक भी एक तरह की सब्सिडियरी बुक है, लेकिन इसको प्रिंसिपल बुक माना जाता है, इसको प्रिंसिपल बुक का दर्जा दिया जाता है, इसको इसका इसके साथ व्यवहार ऐसे किया जाता है जैसे ये प्रिंसिपल बुक हो, यानी मुख्य बुक हो, जबकि ये एक तरह की सब्सिडियरी बुक है। और ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम अलग अलग तरह की कैश बुक्स कैसे होती हैं, जैसे सिंपल कैश बुक, दो कॉलम वाली कैश बुक या तीन कॉलम वाली कैश बुक। उसके बाद हम एक सिंपल कैश बुक को तैयार करने की तकनीक को समझेंगे, जानेंगे, और हम ये जानेंगे कि एक सिंपल कैश बुक को बैलेंस कैसे किया जाता है। हम ये भी देखेंगे कि डबल कॉलम वाली कैश बुक कैसे तैयार की जाती है, उसमें डिस्काउंट कॉलम कैसे जोड़ा जाता है कैश कॉलम के साथ साथ। और हम ये भी जानेंगे और समझेंगे कि तीन कॉलम वाली कैश बुक को बनाने की तकनीक क्या है। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि पेटी कैश बुक क्या होती है और पेटी कैश का इंप्रेस्ट सिस्टम क्या होता है। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ अ पेटी कैश बुक। We'll also learn how to maintain a petty cash book and how to post the entries of the petty cash book in the ledger. Petty cash book ki entries ko hum ledger mein kaise post karenge, ye bhi hum seekhenge. And we will also understand the accounting of credit and debit sales transactions. Jab bhi aise sale transaction hote hain jo credit ya debit उनका कैसे किया जाता है अकाउंटिंग में। तो ये जो आपको एक डिजाइन दिखाई पड़ रहा है, इसमें कैश बुक सेंटर में है और आप देख सकते हैं कि कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक भी है, साथ साथ वो एक प्रिंसिपल बुक भी है, उसको प्रिंसिपल बुक भी ट्रीट किया जाता है। ये एक सिंपल कैश बुक है, थ्री कॉलम कैश बुक भी होती है और टू कॉलम वाली कैश बुक भी होती है। तो तीन तरह की ये कैश बुक हो गई। सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, कहने का मतलब ये कि जब कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें कैश की लेन देन होती है, तो उसको सीधा सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, स्ट्रेट अवे रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच ए रिकॉर्ड, और इस प्रकार का जो रिकॉर्ड बनता है जिसमें कैश ट्रांजेक्शन्स को सीधे कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उस रिकॉर्ड के आधार पे लेजर अकाउंट तैयार किया जाता है। यानी कैश बुक से एंट्री लेजर अकाउंट में जाती है या उसके आधार पे जाती है लेजर अकाउंट में। इसलिए हम ये कहते हैं कि कैश बुक भी एक सब्सिडियरी बुक है, क्योंकि कैश बुक में पहले एंट्री होती है, फर्स्ट इंस्टेंस की एंट्री कैश बुक में होती है और वहां से फिर वो जाती है लेजर में। तो लेजर के सब्सिडियरी हो गई वो, या अकाउंट बुक की सब्सिडियरी बुक हो गई कैश बुक। जिस प्रकार से परचेज और सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक वगैरह से एंट्री सीधे लेजर में जाती है, उसी प्रकार से कैश बुक में पहले एंट्री होती है कैश ट्रांजेक्शन्स की। जैसे सेल
बुक में एंट्री होती है क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शंस की, जो कैश सेल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एंट्री कैश बुक में होगी। इसी तरह से जो कैश परचेज ट्रांजैक्शंस हैं उनकी भी एंट्री कैश बुक में होगी। और इसके अलावा कैश का लेन देन किसी भी कारण से अगर हो रहा है, चाहे वो एक्सपेंडिचर के लिए हो रहा हो या इनकम के रूप में आ रहा हो, जो भी कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी एंट्री कैश बुक में सीधे की जाती है। लेकिन कैश बुक स्वयं भी इट सेल्फ सर्व्स एज द कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश बुक खुद भी उसका जो बैलेंस आता है वो कैश अकाउंट का काम भी करता है और बैंक अकाउंट का काम भी होता है, क्योंकि उसमें बैंक कॉलम होता है। तो बैंक अकाउंट का काम भी कैश बुक करती है, कैश अकाउंट का काम भी कैश बुक करती है, और इसका बैलेंस जो है सीधे लेजर में जाता, सीधे ट्रायल बैलेंस में जाता है। तो बैलेंस आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली, इसलिए चूंकि इसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में सीधा जा रहा है, जिस प्रकार से लेजर के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, तो इस वजह से इसको लेजर का एक पार्ट भी माना जाता है। कैशबुक को लेजर का एक पार्ट माना जाता है और इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक के रूप में भी ट्रीट किया जाता है। जैसे लेजर एक प्रिंसिपल बुक है, उसी प्रकार से कैशबुक भी एक प्रिंसिपल बुक है, क्योंकि इसको लेजर का पार्ट माना जाता है, क्योंकि कैशबुक के जो बैलेंस हैं वो सीधे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, जिस प्रकार से लेजर के जो बैलेंस हैं वो भी सीधे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। तो इस प्रकार से कैश बुक जो है वो दोनों है, वो सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। ये खास बात है कैश बुक के बारे में। अब आते हैं कि कितने तरह की कैश बुक होती हैं। तो ये तीन टाइप में वर्गीकृत की जा सकती हैं। सबसे पहले तो सिंपल कैश बुक, दूसरे नंबर पे टू कॉलम वाली कैश बुक, तीसरे नंबर पे तीन कॉलम वाली कैश बुक। तो जो मेन कैश बुक है उसके अतिरिक्त फॉर्म्स जनरली पेटी कैश बुक भी एक मेंटेन करती हैं, लेकिन वो पेटी कैश बुक प्योरली एक सब्सिडरी बुक है, उसका प्रिंसिपल बुक होने से कोई नाता रिश्ता नहीं है। सो पेटी कैश बुक इज प्योरली अ सब्सिडरी बुक। हम उस पर आएंगे कि ये इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल कैश बुक। तो सिंपल कैश बुक जो है वो एक ऑर्डिनरी साधारण अकाउंट की तरह प्रतीत होती है, जिसमें एक अमाउंट का कॉलम होता है दोनों साइड में, बीच में लाइन होती है, दोनों साइड में एक एक अमाउंट का कॉलम होता है, राशि का कॉलम होता है। जो लेफ्ट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं जो प्राप्तियां होती हैं कैश की, और राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जो हम पेमेंट कर रहे हैं कैश का। तो बाएं तरफ जो है प्राप्तियां हैं कैश की, दाएं तरफ पेमेंट है कैश के। अब आते हैं बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक पे। कैश बुक को भी ऐसे ही बैलेंस किया जाता है जैसे दूसरे अकाउंट्स को किया जाता है। कुल मिला के जो रसीद साइड होती है कॉलम की, वो हमेशा बड़ी होगी पेमेंट्स वाले कॉलम से। जो डिफरेंस है उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है कि बैलेंस कैरिड डाउन। जब भी कोई क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखा जाता है, बाय बैलेंस। बैलेंस बाय तो लगाया ही है अगर हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, अगर डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो टू लगाना जरूरी है। जो टोटल्स हैं फिर उसके बाद जो टोटल आ जाते हैं उनको फिर एंटर किया जाता है इन द टू कॉलम्स ऑपोजिट वन अनदर, एक दूसरे के सामने उनको एंटर किया जाता है। एंड देन ऑन द डेबिट साइड द बैलेंस इज रिटन एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो है डेबिट साइड में लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दिखाने के लिए कैश बैलेंस इन हैंड नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में, चाहे वो नेक्स्ट डे हो, चाहे नेक्स्ट मंथ हो, या नेक्स्ट ईयर हो, जो भी है नेक्स्ट या नेक्स्ट पेज हो, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाया जाता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अब एक इलस्ट्रेशन है कि कुछ ट्रांजैक्शन दिए गए हैं, उनको ये कैश के ट्रांजैक्शंस हैं,
और इनको हमको सिंपल कैश बुक में इनकी एंट्री करनी है। तो पहला है कैश इन हैंड, मतलब जो हाथ में कैश है जनवरी 1 को, तो ये होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,200 रुपये। तो आप देख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,200 रुपये, और ये बैलेंस है जो कैश इन हैंड बैलेंस है, तो इसलिए इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है डेबिट साइड में इसको एंट्री की जा रही है। क्योंकि ये कैश एक तरह से कैश बुक में उस पर्टिकुलर डे में जा रहा है अंदर, तो इसलिए इसको डेबिट साइड में एंट्री कर दिया। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज रिसीव्ड फ्रॉम राम, 5 जनवरी को 300 रुपये राम से प्राप्त हुए। तो राम से जो 300 रुपये प्राप्त हुए, तो राम तो कैश बुक में ये 300 रुपये हम डेबिट कर देंगे और वहाँ लिख देंगे टू राम अकाउंट, यानी राम के अकाउंट में इसका क्रेडिट जा रहा है। उसके बाद रेंट पे किया गया 30 रुपये का। तो ये जो एंट्री है रेंट पे करने वाली, इसमें ये आप देख सकते हैं 30 रुपये कैश बुक को क्रेडिट किया गया, क्योंकि ये बाहर आ रहा है पैसा। व्हाट गोज इन तो डेबिट होता है, जो व्हाट कम्स आउट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट हमारा हो रहा है डेबिट और कैश बुक हमारी हो रही है क्रेडिट। इसी तरह से सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचे गए इस कैश में 300 रुपये के, तो 300 रुपये का सेल हमने दिखाया भाई एंट्री इन द कैश बुक, तो 300 रुपये हमारा आया कैश सेल है, तो पैसा आएगा 300 रुपये, और सेल अकाउंट को हम इसके अगेंस्ट क्रेडिट कर देंगे। ये जो एंट्रीज आ रही हैं ये कैश बुक में, ये दिखाया जा रहा है कि कैश आ रहा है पैसा तो ये बाएं तरफ आ रहा है, जा रहा है वो दाएं तरफ जा रहा है, दाएं तरफ से जा रहा है। और उसके बाद दोनों साइड में का जो डिफरेंस लेके हमने लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल था क्रेडिट साइड का कम था, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, तो इसलिए डेबिट बैलेंस था कैश बुक में, इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्योंकि तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है तभी वो दोनों साइड बराबर होंगी। इसके बाद है पेड टू शाम 700 रुपये, तो 700 रुपये शाम को पे किए गए, यानी कि कैश बुक से निकले तो 700 रुपये यहाँ जाएगा और शाम का अकाउंट में हमने उसको डेबिट कर दिया है। ऐसे फर्नीचर खरीदा गया तो फर्नीचर 200 रुपये का फर्नीचर खरीदा गया, तो 200 रुपये फर्नीचर अकाउंट में हमने डेबिट कर दिए, क्योंकि एसेट अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया यहाँ पे कैश कैश बुक को। तो इनफैक्ट ये कैश अकाउंट का काम कर रहा है जैसे। तो उसी तरह से रेंट ड्यू था लेकिन पे नहीं किया गया जनवरी के लिए, तो रेंट ड्यू है लेकिन पे नहीं किया गया 30 रुपये। तो ये जो 30 रुपये का रेंट है ये हमने इसको पे नहीं किया गया है, तो इसकी कोई एंट्री आएगी नहीं। जनवरी 31 की कोई एंट्री आप देख सकते हैं कि 30 रुपये की कोई एंट्री नहीं, पे नहीं किया गया। जब तक पेमेंट नहीं होगा कैश का तब तक उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। तो इस इलस्ट्रेशन से आप देख सकते हैं ये एक सिंपल कैश बुक में केवल कैश रिसीट्स लिखी जाती हैं और कैश पेमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, और डेबिट साइड का जो टोटल है वो हमेशा ज्यादा होता है क्रेडिट साइड के टोटल से, क्योंकि जो पेमेंट जो है वो कैश से ज्यादा, जितना अवेलेबल कैश है उसी में से आप पे करेंगे, तो पेमेंट ज्यादा हो ही नहीं सकता।
अब जो ये सिंपल कैश बुक है ये इसी तरह से ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह है, जैसे आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह, जैसे हम अकाउंट मेंटेन करते हैं वैसे ये है। अभी डबल कॉलम कैश बुक पे आते हैं, तो इफ अलॉन्ग विद द कॉलम्स फॉर अमाउंट्स टू रिकॉर्ड कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स अलॉन्ग उनके साथ ही, यहाँ पे कैश रिसीट और कैश पेमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम एक और कॉलम ऐड कर दें दोनों साइड में ये दिखाने के लिए कि कितना कैश डिस्काउंट अलाउ किया गया था या जो डिस्काउंट प्राप्त हुआ था, या एक कॉलम डेबिट साइड में हम दिखाएं जिसमें कि हम बैंक से बैंक में प्राप्तियां दिखाएं, बैंक रिसीट्स, और एक और कॉलम क्रेडिट साइड में रखें जिसमें हम जो बैंक से पेमेंट किए जाते हैं उनको एंटर करें। तो इस प्रकार से डबल कॉलम की कैश बुक होगी, कैश उसमें कैश अकाउंट भी होगा और बैंक का भी अकाउंट होगा। तो कैश डिस्काउंट एक अलाउंस है विच ऑफन अकंपनीज द कैश पेमेंट्स। जब भी कैश पेमेंट होते हैं उसमें कैश डिस्काउंट भी होता है। एग्जाम्पल, अगर कस्टमर जो है वो 500 रुपये उसको देना बाकी है, लेकिन उसके प्रॉमिस किया जाता है कि 2% कम डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर पेमेंट किया जाता है एक सर्टन पीरियड में। यानी कस्टमर को ये बताया जा रहा है कि आपको 500 रुपया देना है, लेकिन आप 2% और डिडक्शन ले सकते हैं उसमें अगर उसका पेमेंट एक सर्टन पीरियड के अंदर कर दें। द कस्टमर अपने अकाउंट को क्लियर कर सकता है बाय पेइंग प्रॉम्प्टली 490 रुपये, 490 रुपये प्रॉम्प्टली दे सकता है। तो क्या होगा कि कैश जो प्राप्त हुआ होगा वो कैश रिसीव विल बी 490 एंड 10 रुपीज विल बी द डिस्काउंट फॉर द फर्म रिसीविंग द पेमेंट। फर्म रिसीविंग द पेमेंट डिस्काउंट इज ए लॉस। तो कैश रिसीव यहाँ पे 490 है और 10 रुपये डिस्काउंट है जो फर्म रिसीव कर रही है पेमेंट, उसके लिए वो डिस्काउंट जो है एक लॉस है, और जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है उसके लिए वो एक फायदा है 10 रुपये का। क्योंकि कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है केवल तब जब कैश पे किया जाता है, तो ये सुविधाजनक होगा कि हम ऐड कर दें डिस्काउंट अलाउड का एक कॉलम रिसीट साइड में कैश बुक के, और एक कॉलम हम डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रिएट कर दें पेमेंट साइड में कैश बुक पे। अब कैश कॉलम में डेबिट साइड में जो एक्चुअल कैश आता है वो एंटर किया जाएगा, जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड है कस्टमर को उसको एंटर किया जाएगा डिस्काउंट कॉलम में, और इसी तरह प्रकार से जो एक्चुअल कैश पेड है उसको एंट्री की जाएगी कैश कॉलम में ऑन द पेमेंट साइड, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसको डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे। ऑल्सो द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स टू द बैंक, और जो बैंक कॉलम है डेबिट साइड में वो ये दिखाता है कि कौन से रिसीट्स हैं जो बैंक से प्राप्त हुए हैं, और वही कॉलम जो है क्रेडिट साइड में दिखाता है कि बैंक के माध्यम से पेमेंट कौन से किए गए हैं। तो ये है हमारी सिंपल डबल कॉलम कैश बुक। उसके बाद इसकी जो बैलेंसिंग है उसको देखिए। इट शुड बी नोटेड दैट द डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस। डिस्काउंट कॉलम्स को बैलेंस नहीं किया जाता, उनको केवल महज टोटल किया जाता है, दे आर मेयरली टोटल। टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द राइट साइड, द टोटल ऑफ द कॉलम ऑन द पेमेंट साइड शोज टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड। जो कॉलम है पेमेंट साइड में वो दिखाता है कि कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ था और वो कितना डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। जो कैश कॉलम्स है उनको बैलेंस जरूर किया जाता है, जैसे दिखा चुके हैं हम पहले ही। बैंक कॉलम्स को भी बैलेंस किया जाता है, और जो बैलेंसिंग फिगर है उसको बैंक का बैलेंस कहा जाता है। और इस प्रकार से एक डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम होने चाहिए दोनों साइड में।
और डबल कॉलम कैशबुक में दो कॉलम होने चाहिए, उसमें एक होना चाहिए कैश कॉलम और दूसरा डिस्काउंट ट्रांजेक्शन्स या कैश या बैंक ट्रांजेक्शन्स, इस तरह से। या तो कैश या डिस्काउंट हो सकता है, कैश या बैंक हो सकता है, इस तरह से दो कॉलम हो सकते हैं। आते इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन में दिखाया गया कि गणेश ने अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2017 को शुरू किया था और उसका कैपिटल 2,000 रुपये था और उसने अप्रैल 2017 में ये कैश ट्रांजैक्शंस किए। तो जो कैश ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं कि उसने फर्नीचर खरीदा, फिर उसने कैश पे किया किसी को, मतलब फर्नीचर खरीदने का के लिए कैश पे किया था, और उसके बाद वो तारीखें दी हैं कि अप्रैल 7 को उसने पड़ी एक्सपेंसेस पे किए, अप्रैल 8 को कैश परचेजेस किए। तो ये सारा कैश का सब है। और उसके बाद ही उसने डिस्काउंट अलाउ किया 6 अप्रैल को 10 रुपये का। तो इसके आधार पे अगर हमको एक दो कॉलम की कैश बुक बनानी है, जिसमें कि एक कॉलम होगा कैश, दूसरा होगा डिस्काउंट कॉलम। जिसमें उन्होंने बताया कि दो कॉलम में कैश हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। यहाँ पर एक कॉलम कैश है तो दूसरा कॉलम डिस्काउंट है। तो आप देख सकते हैं कि उसने 2,000 कैपिटल से बिजनेस शुरू किया था, तो जो कैपिटल की एंट्री आ रही है यहाँ पे 2,000 से कैश बुक को डेबिट कर दिया गया है। और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। तो क्रेडिट कहाँ जा रहा है यहाँ से पता चल रहा है। उसके बाद उसने ये 950 रुपये का कैश में सेल किया गुड्स का, 950 रुपये का। तो यानी कि इसको सेल में पैसा मिला 950 रुपये। तो यहाँ पे कैश बुक में इसको डेबिट कर दिया जाएगा 950 रुपये, और वहाँ लिखा जाएगा सेल हुआ है, ये सेल का व्यवसाय है। उसके बाद ये 600 रुपये जो है ये कैश मिला कृष्णा से, और 20 रुपये उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया था। तो जो कैश मिला है 600 रुपये का, वो 600 की एंट्री यहाँ करेंगे और 20 रुपये डिस्काउंट यहाँ दिखा देंगे, जो जितना कैश मिला उसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद आते हैं कि सोल्ड गुड्स इन कैश 950 रुपये, तो ये हमने देखा ही 950 रुपये की सेल हुई है। पेड कैश टू राम मोहन 560 रुपये, तो यहाँ देख सकते हैं आप, कैश दिया गया राम मोहन को, तो 560 से कैश बुक को क्रेडिट किया गया, और यहाँ दिखाया गया कि 10% डिस्काउंट भी इसमें है। अब एक एंट्री ये देख लेते हैं, पेड अली एंड सन्स 400 रुपये, अलाउड डिस्काउंट 8 रुपये। अली एंड सन्स को 400 रुपये दिए गए, यहाँ पे अली एंड सन्स 400 रुपये और उसमें 8 8 रुपये का डिस्काउंट दिखाया गया है। इस प्रकार से इसमें एंट्री होती जाती है, और दोनों साइड को फिर माइनस करके जो बैलेंस कैरेट डाउन लिखा जाता है 675 रुपीज। तो उसके बाद आते हैं, अगर हम समराइज करें तो हम ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट कॉलम को केवल टोटल किया जाता है, उसको बैलेंस नहीं किया जाता, और उनका जो टोटल है उसको डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट पेड अकाउंट में लेजर में टोटल उसका लिख दिया जाता है। जो भी पर्सन पे करता है, द पर्सन हु पेज इज क्रेडिटेड बाय बोथ द कैश पेड बाय हिम एंड द डिस्काउंट अलाउड टू हिम। तो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसको क्रेडिट किया जाता है उस कैश से जो उसने पे किया है, और उस डिस्काउंट से जो उसको अलाउ किया गया था, यानी उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है। और इसी प्रकार से पर्सन जिसको पेमेंट किया जा रहा है उसको हम डेबिट करते हैं,
बोथ द अमाउंट पेड एंड द डिस्काउंट अलाउड, मतलब दोनों चीज उसमें दिखाते हैं कितना अमाउंट पेड है कितना डिस्काउंट है। उसके बाद आते हैं तीन कॉलम वाली कैशबुक पे। अ फर्म नॉर्मली कीप द बल्क ऑफ इट्स फंड्स एट अ बैंक, ज्यादातर पैसा जो है बैंक में रखा जाता है। मनी को डिपॉजिट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है इच्छा अनुसार, अगर कोई करंट अकाउंट है तो। और शायद पेमेंट्स इनटू एंड आउट ऑफ द बैंक वो ज़्यादा होते हैं स्ट्रिक्ट कैश ट्रांजैक्शंस के मुकाबले में। बैंक में जो पेमेंट जा रहा आ रहा है वो ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, बाहर ज़्यादा नंबर में रहते हैं, मोर न्यूमरस। एक ही डिफरेंस है बिटवीन कैश इन हैंड एंड मनी एट बैंक, थोड़ा डिफरेंस है। देर इज ओनली अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन कैश इन हैंड एंड मनी एट बैंक, थोड़ा बहुत इसमें फर्क होता है। देयरफॉर इट इज वेरी कन्वीनियंट इफ ऑन ईच साइड ऑफ द कैशबुक अनदर कॉलम इज एडेड, तो अच्छा ही रहता है कि कैशबुक के दोनों साइड में हम एक और कॉलम ऐड कर दें जिसमें हम कैश डिपॉजिट जो होगा बैंक में उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो पेमेंट्स हो रहे हैं बैंक बैंक से उनको भी रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट्स आउट ऑफ द बैंक, तो ये कैशबुक के पेमेंट साइड में जाएंगे। तो तीन कॉलम की कैशबुक बनाने के लिए ये पॉइंट नोट किए जाने चाहिए कि जब बिजनेस शुरू हो रहा है तो जो अमाउंट है उसको लिखा जाता है इन द कैश कॉलम, अगर कैश इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अगर बैंक कॉलम में, और बैंक कॉलम में तब लिखा जाता है जब डायरेक्टली कैश को बैंक में डाल देते हैं। और जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल ये जो कैश अकाउंट है ये डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। अगर एक नई कैशबुक शुरू की जा रही है एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए तो जो बैलेंसेस हैं ओपन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में। उसके बाद सारी प्राप्तियां जो हैं वो लिखी जाती हैं रिसीट साइड में, और कैश को कैश कॉलम में लिखा जाता है, चेक को जो है वो बैंक कॉलम में लिखा जाता है, और अगर कोई डिस्काउंट अलाउ किया जाता है उस पार्टी को जो पे पेमेंट कर रही है तो डिस्काउंट को हम डिस्काउंट कॉलम में एंटर कर देते हैं। इस तरह यहाँ तीन कॉलम है, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, और पर्टिकुलर कॉलम में उस अकाउंट का नाम जिसके रिस्पेक्ट में पेमेंट रिसीव किया जा रहा है, यानी किसी जिस व्यक्ति ने पेमेंट दिया है उसका पर्टिकुलर कॉलम में उसका नाम लिखा जाएगा, उसके अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, और सारे पेमेंट जो है वो पेमेंट साइड में एंटर किए जाते हैं, सारे के सारे कैश पेमेंट को कैश कॉलम में लिखा जाता है और पेमेंट बाय चेक जो है वो बैंक कॉलम में लिखा जाता है। अगर कुछ डिस्काउंट रिसीव किया गया है फ्रॉम द पार्टी जो रिसीव कर रही है पेमेंट तो उसको भी डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। अक्सर कैश विड्रॉ किया जाता है फ्रॉम बैंक जिससे कि जिसका यूज ऑफिस में होता है, और ऐसे केस में उसको बैंक कॉलम में लिखा जाता है ऑन द पेमेंट साइड कि बैंक ने जैसे पेमेंट कर दिया हो, और कैश कॉलम में उसको रिसीट साइड में लिख दिया जाता है। और जहाँ विपरीत केस होता है कि कैश भेजा जा रहा है बैंक को तो जो अमाउंट है वो तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड की जाती है रिसीट साइड में, और पेमेंट साइड में कैश कॉलम में। कहने का मतलब ये हुआ कि कैश विड्रॉ किया गया बैंक से ऑफिस के काम के लिए, तो जो अमाउंट था उसको हमने बैंक कॉलम में एंटर कर दिया जिससे बैंक ने पेमेंट किया हो, और कैश कॉलम में हमने रिसीट साइड में दिखा दिया कि वो प्राप्त हुआ है कैश। और इसका जो रिवर्स केस है, रिवर्स केस में जब कैश जमा किया जाता है बैंक में, ये कैश जो है बैंक को भेजा जा रहा है तो उस अमाउंट को बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं जैसे वो प्राप्ति हो रही है, और कैश कॉलम में उसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि वो पेमेंट हो रहा है। और इन एंट्रीज के अगेंस्ट लेटर सी लिखा जाना जरूरी है लेजर फोलियो कॉलम में, कॉन्ट्रा एंट्री दिखाते हुए,
be written in the LF column to indicate that these are contract transactions. ये दिखाने के लिए एक LF नाम से कॉलम बनाया जाएगा और उसमें एक कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन दिखाए जाएंगे एंड नो फर्दर पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दम. और इनकी इनकी कोई पोस्टिंग की जरूरत नहीं है इन कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन की, क्योंकि जो एंट्री यहाँ पे की जा रही है, जब कैश भेजा जा रहा है बैंक को तो उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है बैंक कॉलम में रिसीट साइड में, और कैश कॉलम में पेमेंट साइड में. कैश कॉलम से पेमेंट हो रहा है जैसे, और इंट्रीज के अगेंस्ट एक लेटर सी कॉन्ट्रा के, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो लिखा जाना चाहिए एलएफ कॉलम में, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हैं, इसलिए सी फॉर कॉन्ट्रा एंड नो फर्दर पोस्टिंग विल बी रिक्वायर्ड फॉर देम. अब ये नोट करना जरूरी कि अगर शुरू में चेक रिसीव किए गए थे और उनको हमने कैश कॉलम में एंटर कर लिया था, मान लीजिए इनिशियली चेक्स रिसीव्ड आर एंटर्ड इन द कैश कॉलम, और कैश कॉलम में एंटर करके उनको बैंक भेजा गया, देन द एंट्री इज एज इफ कैश हैज बीन सेंट टू द बैंक. एंट्री ऐसे होगी जैसे कैश बैंक भेजा जा रहा है. वाइल रिकॉर्डिंग द कॉन्ट्रा एंट्रीज द बेसिक बट इम्पॉर्टेंट रूल्स शुड बी फॉलोड, कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम ये रूल फॉलो करना है. और दूसरा रूल ये है कि जो भी आ रहा है दैट इज डेबिटेड, जो भी बाहर जा रहा है दैट इज क्रेडिटेड. और एग्जांपल के तौर पे जहां पर कैश में सेपरेट कॉलम है फॉर बैंक अकाउंट, वेयर कैश बुक विद सेपरेट कॉलम फॉर बैंक अकाउंट इज मेंटेन्ड. कैश बुक में कई बार बैंक अकाउंट का अलग कॉलम बना हुआ है, तो इसको और एक्सप्लेन अगर किया जाए तो अगर कैश डिपॉजिट किया जाता है बैंक अकाउंट में तो बैंक रिसीवर है और इसलिए बैंक को डेबिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. और क्योंकि कैश बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा. अगर कैश विड्रॉ किया जाता है बैंक अकाउंट से तो बैंक गिवर हो जाएगा, इसलिए बैंक को क्रेडिट किया जाएगा. और कैश चूंकि अंदर आ रहा है तो कैश को जो है वो डेबिट किया जाएगा, बिकॉज व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिटेड. उसके बाद अगर कोई चेक बैंक को भेजा जाता है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, हम देख रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में कैश बुक में क्या एंट्री की जा रही है. चेक बैंक को भेजा गया लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया और बैंक उसका पैसा नहीं कलेक्ट कर पाया, वो राशि नहीं कलेक्ट कर पाया क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, तो उसको बैंक कॉलम में लिखा जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड कि जैसे वो निकल गया उतना, विद द नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी इन द पर्टिकुलर कॉलम, और जो रिलेटेड पार्टी है उसका नाम पर्टिकुलर कॉलम में लिखें, क्योंकि ये डिसऑनरिंग चेक डिसऑनर का एंट्री है कि जो चेक था वो पहले बैंक भेजा गया था, अब वो डिसऑनर हो गया. जब पहले भेजा गया होगा तब वो बैंक में डेबिट हुआ होगा, अब वो डिसऑनर हो गया तो उतना हम दिखाएंगे जैसे पैसा निकल गया हो, तो बैंक कॉलम क्रेडिट हो जाएगा और पार्टी को हम डेबिट करेंगे, और वही बात जो है पार्टी का नाम भी पर्टिकुलर्स में लिखेंगे उस कॉलम में. अब अगला देखते हैं, इफ सम चेक्स इशूड बाय द फर्म इज नॉट पेड ऑन प्रेजेंटेशन. चेक फर्म ने इशू कर दिया और जिसकी बुक्स हैं उन्होंने चेक इशू कर दिया, उस चेक को प्रेजेंट किया गया जिसने उसको चेक दिया गया था लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ यानी डिसऑनर हो गया, तब जो है वो फर्म बताएगी, वो कंपनी बताएगी हमें कि भाई आपका चेक जो दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो उसको हम बैंक कॉलम में एंटर करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि वो पैसा पहले निकल गया था वापस आ गया, विद द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम द चेक वॉज गिवन, और वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर्स कॉलम में हम पार्टी का नाम लिखेंगे जिसको वो चेक दिया गया था. और रेयर केस में जो चेक रिसीव किया जाता है
किसी और पार्टी को भी दिया जा सकता है, यानी कि एंडोर्स भी किया जा सकता है। यानी चेक हमें प्राप्त हुआ और हम उसको किसी और को दे दे रहे हैं कि ये आप अपने खाते में डाल लीजिए, तो यानी कि उसका एंडोर्स कर रहे हैं उसको। और ऑन रिसीट इट मस्ट हैव बीन एंटर्ड इन द बैंक कॉलम, जब वो चेक हमको प्राप्त हुआ था तब हमने उसको बैंक कॉलम में डेबिट साइड में लिखा होगा, लेकिन जब हमने एंडोर्स कर दिया तो जो अमाउंट है उसको हम लोग बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब इस तरह की जो कैशबुक होती है 3 कॉलम वाली, उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक साथ बन जाते हैं और इसलिए कैशबुक में ही डबल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, और इसलिए कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं उनको आसानी से क्रॉस चेक कर सकते हैं कैश कॉलम में एक साइड में और बैंक कॉलम में दूसरे साइड में कैशबुक के कॉन्ट्रा एंट्री को चेक किया जा सकता है, और एरर का चांस जो है कम हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पे कैश कॉलम भी है बैंक कॉलम भी है, वही वही एंट्री हो जा रही है। और बी जो है, जो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश इन हैंड एंड द बैंक बैलेंस कैन बी ऑब्टेन वेरी इजीली। कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से निकाली जा सकती है, क्योंकि बैंक अकाउंट का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ लेजर अपने आप ही साथ साथ ही बनता जा रहा है। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो इन केस ऑफ मेंटेनिंग मोर देन वन बैंक अकाउंट, सेपरेट कॉलम जो है हर बैंक अकाउंट के लिए बनाया जा सकता है, और जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये 2 या उससे ज़्यादा अकाउंट्स के बीच के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, और उनको रिकॉर्ड करके टैली किया जा सकता है। बहुत कम एफर्ट से ये काम हो सकता है, क्योंकि एक ही जगह पे दोनों अकाउंट हैं, उनके बीच के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आसानी से टैली किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं, एक है PNB का और एक है SBI का कैश क्रेडिट अकाउंट। अब अगर एक चेक डिपॉजिट किया जाता है PNB में, PNB का चेक अगर हम SBI अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो जो रिसीवर है यानी कि SBI का अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा, और जो गिवर है यानी PNB का अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कि बैलेंसिंग पे, कि बैलेंस कैसे किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिस्काउंट कॉलम्स हैं उनको केवल टोटल किया जाता है और उनको बैलेंस नहीं किया जाता। कैश कॉलम्स को बैलेंस किया जाता है ठीक उसी प्रकार से जैसा कि सिंपल कैश बुक में भी हमने इंडिकेट किया है, और जो प्रोसेस है वो वैसे ही है जैसे कि आप बैंक कॉलम को, वही वही प्रोसेस बैंक कॉलम को बैलेंस करने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज पॉसिबल हाउएवर दैट बैंक मे अलाउ द फर्म टू विड्रॉ मोर देन द अमाउंट डिपॉजिटेड। ये कभी कभी हो सकता है कि बैंक अलाउ कर देगा फर्म को कि आपने जितना डिपॉजिट किया था उससे ज़्यादा निकाल लीजिए, यानी कि टू हैव एन ओवरड्राफ्ट। और ऐसे केस में जो टोटल है बैंक कॉलम का ऑन द क्रेडिट साइड वो बड़ा होगा डेबिट साइड वाले टोटल से, तो इसलिए जो डिफरेंस है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे एज टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का केस है तो बैंक कॉलम जो होगा उसका जो टोटल होगा क्रेडिट साइड पे वो ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि तो बैंक से पैसा ज़्यादा निकल गया डेबिट साइड के मुकाबले में। तो डेबिट साइड कम रह गया तो डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और उसके बाद टोटल्स को हम लिखेंगे ऑन टू अपोजिट साइड्स वन अनदर, एंड देन द टोटल्स आर रिटन ऑन द टू अपोजिट साइड्स, टू साइड्स अपोजिट वन अनदर, जो एक दूसरे के अपोजिट साइड है उसमें टोटल लिख देंगे, और बैलेंस को तब हम क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे अगले पेज पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ द यूजुअल केस इज दैट द पेमेंट्स इन द बैंक विल एक्सीड द विड्रॉल्स, क्योंकि नॉर्मली तो पेमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बैंक में जो आ रहा है, और विड्रॉल कम होते हैं उसके मुकाबले में, तो इसलिए बैंक कॉलम जो हैं उनको बैलेंस किया जाता है ठीक वैसे ही जैसे हम कैश कॉलम
कॉलम्स को बैलेंस करते हैं, वैसे ही बैंक कॉलम्स को भी हम बैलेंस कर लेते हैं, और बैलेंस कैरिड डाउन करके फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले पेज पे हो जाएगा। अब इसका इलस्ट्रेशन है कि ये जो ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं उनको हमको एंटर करना है कैश बुक में, जिसमें कि डिस्काउंट और बैंक कॉलम भी है। तो सबसे पहले चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। तो किसी ने, चंद्रिका है, उन्होंने बिजनेस शुरू किया कैश 20,000 से, 20,000 शुरू किया तो ब्रॉड डाउन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश बुक में जो एंट्री आ रही है, शुरू हुआ मतलब कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और कैश बुक को हमने डेबिट कर दिया, ये बिजनेस शुरू हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कैश बुक ऐसी है जिसमें कि डिस्काउंट कॉलम है, कैश कॉलम है और बैंक कॉलम है, तीनों कॉलम्स हैं। तो जब हमने कैश की एंट्री कर रहे हैं यानी कैश इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और कैश बुक को हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद उसने करंट अकाउंट में 19,000 रुपये पे किए, तो हम देखेंगे 19,000 रुपये ये हम कैश बुक में टू कैश करके, क्योंकि ये यहाँ पे बैंक अकाउंट में पे किया है इन्होंने, करंट अकाउंट में बैंक में पे किया है 19,000 रुपये, तो ये 19,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि कैश पे कैश है ये, और ये 19,000 रुपये यहाँ पे आ रहा है कि इसको बैंक में पे किया गया है, तो इसलिए बैंक अकाउंट में डेबिट आ जाएगा, और क्योंकि ये कैश था कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे ये 19,000 देख सकते हैं आप, एक एंट्री यहाँ पे आ रही है, दूसरा कैश की जो एंट्री है ये 19,000 यहाँ पे आ रही है, क्योंकि कैश निकल गया कैश अकाउंट में से, और इसलिए आप देख सकते हैं एक ही जगह पे डेबिट क्रेडिट आ रहा है यहाँ पे। 19,000 रुपये कैश निकला और उसमें कैश बुक को हमने डेबिट कर क्रेडिट कर दिया, और जो डेबिट किया हमने वो बैंक बुक को किया, तो बैंक बुक में ही कैश चला गया। उसके बाद उसने चेक रिसीव किया कीर्ति एंड कंपनी से, ही रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट 600 रुपये का चेक रिसीव किया। तो हम वही देख रहे हैं कि जब चेक रिसीव किया तो ये यहाँ पे 600 रुपये अपनी फर्स्ट चेक किया। दो चीज़ें हैं, ही पेज इन द बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक, पहले तो उसने चेक रिसीव किया कीर्ति एंड कंपनी से, उसके बाद इस चेक को उसने बैंक में पे कर दिया। तो ये दो दो अलग अलग आइटम्स हैं, उनकी एंट्री इस तरह से हो रही है कि जब वो उसको बैंक में पे करता है 600 रुपये का चेक, ये कीर्ति एंड कंपनी है, और यहाँ पे ऑन अकाउंट रिसीव किया था उसने, तो इसका मतलब कि कीर्ति एंड कंपनी को हम कैश बुक को हम डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि तो चेक रिसीव हो गया तो कैश बुक को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि पहले जब चेक आता है तो हम लोग उसको अपने कैश बुक में एंटर कर लेते हैं, क्योंकि हम तुरंत तो बैंक जा नहीं रहे उसको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, तो इसलिए चूँकि वो बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं हुआ है तो हम पहले उसको कैश बुक में एंटर कर लेंगे। हमने कीर्ति एंड कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट किया और अपना जो कैश अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया। ये वो एंट्री है जहाँ पर चेक हमको प्राप्त हुआ ऑन अकाउंट कीर्ति एंड कंपनी। उसके बाद हमने क्या किया कि इस चेक को हमने निकाला और इसको हमने यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जब इस चेक को ले के बैंक गए तो यहाँ पर 600 रुपये की एंट्री आ रही है कि हमने क्रेडिट कर दिया अपना कैश बुक, हमने चेक हमने निकाल लिया अपने कैश बुक में से
और इसलिए अपना कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया और इस चेक को ले जाके हमने जमा कर दिया अपने बैंक में। तो जब हमने बैंक में जमा किया तो बैंक कॉलम जो है वहाँ पे डेबिट आ जाएगा और वहाँ पर टू कैश आ जाएगा, क्योंकि कैश से आ रहा है, कैश क्रेडिट बैंक डेबिट। तो ये इस तरह का ट्रांजेक्शन है, ये तो 600 का हो गया। उसके बाद चलते आगे, क्या उसने क्या किया कि रतन कंपनी को एक चेक दिया और उसको 20 रुपये डिस्काउंट मिल गया। ही पेज रतन कंपनी बाय चेक 330 रुपये और डिस्काउंट 20 रुपये मिल गया। तो रतन एंड कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब चेक पे किया गया तो हम यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर ले रहे हैं, क्योंकि तो बैंक से चेक पे किया गया और 20 रुपये डिस्काउंट हमने यहाँ पे दिखा दिया कि भैया 20 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट होगा। रतन कंपनी को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्योंकि तो चेक उनको दिया, और अपना बैंक कॉलम जो है उसमें 330 रुपये का क्रेडिट यहाँ पे हमने डाल दिया, क्योंकि ये चेक हमने दिया है रतन कंपनी। और उसके बाद त्रिपाठी एंड कंपनी हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पे कर रहा है। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट 475 रुपये। त्रिपाठी एंड कंपनी ने 475 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में पे कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बैंक में 475 रुपये आ गया और हमने त्रिपाठी एंड कंपनी को, तो ये इमेजिन कर किया जाएगा कि त्रिपाठी एंड कंपनी ने ये चेक हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पे कर दिया। तो हमारे बैंक अकाउंट में हमने इसको डेबिट ले लिया और इसका क्रेडिट हमने त्रिपाठी एंड कंपनी का कर दिया। डेबिट हमारा कैशबुक में बैंक बैंक कॉलम में आ गया और त्रिपाठी एंड कंपनी को हमने इसके अगेंस्ट हमने क्रेडिट कर दिया। ये 475 की एंट्री आ गई। उसके बाद ही रिसीव चेक फ्रॉम वारशी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 35 रुपीज। उसको 450 रुपये का चेक मिल गया वारशी से और वारशी को डिस्काउंट दे दिया 35 रुपये का। तो ये 450 रुपये का जो चेक मिला है वारशी से, यहाँ आप देख सकते हैं जो चेक मिला वाशी से, तो जब चेक मिलता है हम क्या करते हैं उसको, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उसको बैंक कॉलम में नहीं लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं कैश कॉलम में। हमको चेक मिला 450 रुपये और ये चेक हमने कैश कॉलम में अपने डाल लिया, क्योंकि तो अभी हम बैंक में डिपॉजिट करने नहीं गए हैं उसको। जब बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे तब वो एंट्री आएगी, क्योंकि वो, लेकिन अभी यहाँ ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं हुआ कि अभी आपने जमा कर दिया कि नहीं। अभी तो हमें प्राप्त हुआ है चेक, जब हमको चेक प्राप्त होता है उसको हम कैश कॉलम में लिख देते हैं और जो भी डिस्काउंट हमने दिया वो हम डिस्काउंट कॉलम में दिखा देते हैं कि यहाँ पे हमने, चूंकि ये डिस्काउंट हमने दिया है इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और वार्षिक गेट्स क्रेडिटेड बाय दिस 35 रुपीज़। और उसके बाद उसको चेक मिलता है, उसको कैश मिलता है 75 रुपये का एंड चेक मिलता है 100 रुपये का और कैश सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही रिसीव्स अ चेक, ही रिसीव्स कैश 75 रुपीज़ एंड ही ऑल्सो रिसीव्स अ चेक और 100 रुपीज़, क्योंकि तो उसने कैश सेल किया है। ये कैश सेल हो रहा है, तो कैश सेल की एंट्री कैसे करते हैं ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो कुल मिला के जो चेक मिला था वो भी कैश ही अकाउंट में जाएगा, चाहे आप अलग से भी एंट्री कर दीजिए, और चाहे कैश मिला था वो भी उसी अकाउंट में जाएगा। तो 100 प्लस 75, 175, या 100 और 75 अलग अलग भी कर सकते थे। और कैश अकाउंट में चाहे चेक चेक हो चाहे कैश हो, जाएगा कैश अकाउंट में। चेक भी अभी डिपॉजिट होने जब जाएगा तब यहाँ से निकलेगा, अभी तो सबसे पहले जब चेक आता है तो उसको हम लोग कैश अकाउंट में डेबिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 175 रुपये से कैश प्लस चेक डेबिट हो गया और सेल अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट, इसलिए टू सेल्स अकाउंट।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ही पेज इन टू द बैंक इंक्लूडिंग चेक्स रिसीव्ड ऑन 15th and 20th। 15 तारीख को जो चेक मिला था, ये 450 का चेक मिला था 15 तारीख को, 20 तारीख को उसको 100 रुपये का चेक मिला था, उसने क्या किया, ये 15 तारीख को 450 का चेक मिला था, 20 तारीख को चेक मिला था उसको 100 रुपये का, तो 450 और 100, ये दो चेक उसको जो मिले थे उसने जाके उसको बैंक में जमा कर दिए। तो चूंकि उसने बैंक में जमा किए ये चेक, अब देखते हैं कि ये कहाँ पे एंट्री आ रही है। मुख्य बात ये कि एंट्री की किस तरह से आनी चाहिए, कि उसने ये 1000 रुपये लिखा हुआ है, तो 15 और 20 तारीख को जो उसको चेक मिले थे, एक मिला था 450 रुपये का चेक, दूसरा मिला था एक और चेक 100 रुपये का, यानी 550 रुपये का चेक, और ये चेक मिला के पहले भी उसको चेक मिले होंगे, कुल मिला के 1000 रुपये के चेक उसने जो है जमा कर दिए। हम ये कह रहे हैं कि उसने 1000 रुपये के चेक जमा कर दिए, तो हम ये कहेंगे कि जब उसने 1000 रुपये के चेक जमा किए तो सबसे पहले क्या काम होगा कि वो कैश से निकल गया और बैंक में चला गया। जब कैश से निकलेगा तो 1000 यहाँ पे हमने लगा दिया, 1000 रुपये यहाँ से निकले तो कैश को हमने किया क्रेडिट 1000 रुपये से, ये चेक हमने कैश से हटाए और इसको हमने जाके जमा कर दिए, यहाँ बैंक में जाके डेबिट हो गया 1000 रुपये। तो इस तरह से ये एंट्री आ गई, 1000 रुपये के जो चेक निकाले थे हमने लेके गए थे बैंक में जमा करने के लिए, तो 1000 रुपये के चेक थे, 1000 रुपये यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, कैश कॉलम में हमने डाला क्रेडिट 1000 रुपये का, और बैंक कॉलम में हमने डेबिट डाल दिया 1000 रुपये का। उसके बाद ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेज, कैश परचेज कर रहा है, उसका चेक पे कर रहा है 275 रुपये। तो 275 रुपये क्योंकि वो चेक इशू कर रहा है, तो उसके पास जो चेक रखा है वो इशू कर रहा है, यानी कि उसने 275 रुपये कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। दिस इज द एंट्री विल बी पे बाय चेक अगेंस्ट द परचेज दैट वी मेक। तो परचेज अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 275 से, कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी उसने चेक पे किया है। जब चेक क्रेडिट हो जाएगा उसका तो बाद में एंट्री आएगी बैंक की, अभी नहीं आएगी। उसके बाद उसने कैश में सन्ड्री एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, तो वो भी वही है कि कैश से किया 50 रुपये और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट को हमने उसके अगेंस्ट डेबिट कर दिया। अब दोनों साइड का हमने टोटल ले लिया, और टोटल लेने के बाद डिस्काउंट को तो बस हम बैलेंस नहीं करते हैं, लेकिन हमने कैश अकाउंट कैश कॉलम को बैलेंस किया, जिसमें कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे, और कैश कॉलम का बैलेंस और हमने बैंक कॉलम का बैलेंस दोनों का टोटल ले लिया, और टोटल में से जो डिफरेंस आ गया, 300 रुपये का जो डिफरेंस आ गया वो हमने यहाँ पे आप देखिए बैलेंस कैरी डाउन के रूप में हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये हमारा जो कैश के कैश कॉलम में ये हमारा डिफरेंस आ गया 300 रुपये का, इसको हमने यहाँ पे बैलेंस ड्रॉ कैरी डाउन लिख दिया। तो ये लिखने के बाद जो दोनों जो साइड है वो बैलेंस हो जाती हैं, जब तक हमने ये लिखा नहीं था तब तक वो दोनों साइड जो है वो बैलेंस नहीं हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैंक साइड है वो उसमें 21,075 का टोटल आ रहा है, और इधर जो बैंक साइड है उसमें 330 का आ रहा है, तो 330 माइनस 21,075 करके हमारा जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है 20,745 रुपये, ये बैंक में आ गया, और कैश साइड में हमारा जो बैलेंस आ गया 100 रुपये का है,
क्योंकि हमारा जो टोटल था वो ये 300 रुपये लगाने के बाद दोनों साइड बैलेंस हो रही है, तो इसलिए 300 रुपये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो गया कैश में और 20,745 हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो गया बैंक में, और बाद में ये दोनों राशियां जो हैं 20,000 और 20,745 300, ये बाद में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा अगले महीने के शुरू में, 1 फरवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ द सेम अमाउंट, ये दूसरे साइड में यहाँ पे एंट्री इनकी एंट्री हो जाएगी। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड एंड दिस सेशन, बिकॉज वी हैव इनफ टू स्टडी अंडर कैश बुक, बट लेकिन थोड़ा सा मैं आई जस्ट टेक 2-3 मिनट्स मोर पोस्टिंग द कैश बुक एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स ने देखा होगा जो कैश कॉलम्स हैं कैश बुक में वो एक्चुअली और कुछ नहीं है, कैश अकाउंट है, और जो बैंक कॉलम है वो एक्चुअली बैंक अकाउंट है, और जो डिस्काउंट कॉलम्स हैं वो एक तरह से मेमोरेंडम कॉलम्स हैं, वो सूचना देते हैं कि कितना डिस्काउंट है। उनका पर्पस केवल इतना ही है कि आपको सूचना दे रहे हैं कि कुल कितना डिस्काउंट आपने अलाउ किया है या कितना डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, तो उसकी कोई पोस्टिंग नहीं होनी है, क्योंकि डिस्काउंट लगाने के बाद जो राशि है वो सीधे आपने एंटर कर दी है। तो जो डेबिट साइड कॉलम्स हैं कैश और बैंक के, उनमें प्राप्तियां दिखा रहे हैं हम, और इसलिए जो भी अमाउंट डेबिट किए जा रहे हैं कैश बुक में उनको शुड बी पुट टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कैश और चेक हैज बीन रिसीव। तो क्रेडिट उसको जाएगा जिस रिस्पेक्ट में कैश रिसीव हुआ है या चेक रिसीव हुआ है। जैसे कि कैश बुक में जो ऊपर दी गई है हम देखते हैं कि 175 रुपये प्राप्त किए गए थे सेल ऑफ गुड्स पे, तो पोस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे सेल अकाउंट में, कि सेल अकाउंट में जाके लिखेंगे बाई कैश 175, यानी कि हम वहाँ पे क्रेडिट कर देंगे उसको सेल अकाउंट को 175 रुपये से। और हम ये भी देखते हैं कि मिसेस वासी ने पे किए 450 रुपये एंड ऑल्सो दे हैव बीन अलाउड 35 रुपये एज डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 485 रुपये पे करना था लेकिन उन्होंने 450 पे करके 485 का जो डेट था वो डिस्चार्ज कर दिया। तो जब हम वारसी का अकाउंट बनाएंगे ना वारसी, तो हम पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि तो जब पेमेंट आ रहा है हमारे पास कैश, हमने अपना कैश डेबिट किया 450 से और डिस्काउंट को हमने डेबिट किया 35 से, तो वारसी का और या फिर हम सैलरीज में भी दोनों चीज़ों को डाल सकते हैं, ये हमने डेबिट किया तो वारसी को हम क्रेडिट कर देंगे 485 से, लेकिन अगर हम डिस्काउंट को अलग रख रहे हैं तो 450 450 की एंट्री ही जाएगी। अच्छा, सारे पेमेंट ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, जितने भी पेमेंट होते हैं, प्राप्तियां तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं, जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, जो पर्टिकुलर कॉलम्स हैं वो ये दिखाते हैं कि किस अकाउंट पे पेमेंट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहता है, और जो भी कंसर्न लेजर अकाउंट्स हैं उसमें अमाउंट को डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा, द अमाउंट इज पुट ऑन द डेबिट साइड। जैसे कैश बुक अगर दिखाती है कि चेक 330 का इशू किया गया मैसेज रतन कंपनी को और उनको डिस्काउंट दिया गया 20 रुपये का, इसका मतलब कि 350 रुपये का ऑब्लिगेशन था रतन कंपनी की ओर, और रतन कंपनी ने लेकिन 20,000 का डिस्काउंट 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमको, तो मैसर रतन कंपनी के अकाउंट में हमको पोस्टिंग ऐसे करनी होगी कि 330 रुपये उनके बैंक द पोस्टिंग इन द अकाउंट ऑफ मैसर रतन कंपनी, वो पोस्टिंग इस तरह से होगी कि टू बैंक हम लिखेंगे और 330 रुपये उनको डेबिट कर देंगे, टू बैंक का मतलब है कि बैंक को हम क्रेडिट कर रहे हैं और क्योंकि बैंक से हमने ये चेक दिया है उसको, और इसी तरह से डिस्काउंट को
भी हम उनके डेबिट कर देंगे, और क्योंकि डिस्काउंट हमको ये डिस्काउंट उन्होंने हमको दिया है, तो ये डिस्काउंट 20 रुपये का जो डिस्काउंट है वो हमें उनसे मिल गया, तो हम उनको वो हमें डेबिट, हमारा डेबिट हो गया। और अगर डिस्काउंट खाते में देखा जाए तो डिस्काउंट खाते में ये हमारे जब हम टू डिस्काउंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि एक डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हमारा, हमारा डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और उनका खाता डेबिट हो रहा है, 20 रुपये उनके खाते में डेबिट में चला जाएगा, यानी रतन कंपनी के खाते में डेबिट साइड में ये एंट्री आएंगी इस तरह से, टू बैंक टू डिस्काउंट इस तरह से। और इस तरह से रूल इस तरह से डेवलप हो रहा है कि रूल ये बन रहा है कि जो डेबिट साइड है कैश बुक की, वहाँ से फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वी क्रेडिट द अकाउंट्स विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स, जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं वो वेरियस अकाउंट्स में हम क्रेडिट कर देते हैं, और उसमें डिस्काउंट भी शामिल हो सकता है जो अलाउ किया गया था। और जो क्रेडिट साइड है कैश बुक की, वहाँ से पोस्टिंग जाएगी उन अकाउंट्स के डेबिट साइड, जो कि उस पर्टिकुलर कॉलम में डिस्क्रिप्शन में लिखे होंगे, और जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो भी जाएगा, और जो भी डिस्काउंट हमें प्राप्त हुआ वो भी उसी तरह से जाएगा। तो ये जो रूल है कि डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में जाएगा, ये ध्यान रखना है। और जैसे हमने पहले दिखाया कि कुल जो डिस्काउंट कॉलम्स हैं उनका जो टोटल जोड़ है ऑन द डेबिट साइड, उसको हम डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, और जो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट का जोड़ आता है उसको हम डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं कि वो हमको डिस्काउंट मिला है। और जैसे कि कैश बुक में दिया गया है प्रीवियस पेज में कि 35 रुपीज़ जो है वो डेबिट हो गए और 20 रुपये जो है क्रेडिट हो गए डिस्काउंट अकाउंट में। सो वील बी डूइंग पेटी कैश फ्रॉम पेटी कैश बुक ऑनवर्ड्स वील बी डूइंग फ्रॉम इन द टुमारोज लेक्चर दैट विल बी कैश बुक पार्ट टू। और इसके साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।